तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे चैनल रोहित सर एकेडमी पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि आप सब सुनते होइएगा कि गंगा नदी का जो पानी है वो कभी मैला क्यों नहीं होता है। अक्सर हमारे हिंदू धर्म में, जो भी हिंदू लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके धर्म में होता क्या है और हमारे धर्म में होता क्या है, मैं भी हिंदू ही हूँ, हमारे धर्म में होता क्या है कि हर एक पूजा पाठ में अधिकतर जगहों पे गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, यानी गंगा नदी के पानी का। तो आप देखते हो ये गंगा नदी का पानी महीनों तक रखा जाता है, फिर भी उसके अंदर कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, वो कभी ख़राब नहीं होता, गंदा नहीं होता, मैला नहीं होता। आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है? तो अक्सर हमारे धर्म में माना जाता है कि देवी बसती है गंगा नदी में, गंगा मैया बसती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ का जो पानी है वो कभी मैला नहीं होता है, ऐसा धर्म का मानना है। लेकिन जब इसका साइंटिफिक जाँच हुआ, जब साइंटिस्ट इस पर सर्च कर रहे थे आखिरकार क्या है इस पानी में, तो एक खास बात पता चली। और उसमें क्या पाया जाता है जरा देखिए, उसमें एक धातु पाया जाता है जिसका नाम है गंधक। ये एक धातु है जिसको इंग्लिश में हम लोग सल्फर के नाम से भी जानते हैं, सल्फर धातु का आप नाम तो सुने होइएगा। इसके बारे में जानिए, यह एक खनिज है, खनिज जो धरती के अंदर पाया जाता है। यह ज्वालामुखी पर्वतों से निकले पदार्थों में पाई जाती है, यानी कि जो ज्वालामुखी वाला पर्वत है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वोल्केनोस जिस पहाड़ से वोल्केनो निकलते हैं, उस पहाड़ के पदार्थों में निकली जाती है और ये गंधक पाई जाती है, यानी कि सल्फर वहीं पे पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सल्फर जो है वो फसल में भी कारगर होता है। मैं फसल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, जरा देखिए फसल में क्या होता है, अगर किसी फसल में सल्फर का कमी है तो उसका जो पत्ता है फसल का वो पीला पड़ जाता है, यानी कि सही से हो नहीं पाता है। अगर सल्फर का मात्रा ज़्यादा है तो, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, अब यहाँ पर मैं बता ड्रॉइंग करके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, इस पौधे में क्या है कि सल्फर का मात्रा अगर हम डालते हैं, सल्फर का मात्रा डालते हैं तो इसका जो पत्ता होगा वो हरा भरा होगा, यानी उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। अधिकतर पेड़ पौधे का देखते हो या कलर पत्ता जो होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन किसी किसी हरे पेड़ का पौधा भी पीला रंग का दिखाई देता है। उसके कारण क्या होता है कि सल्फर की कमी उसमें हो जाती है। तो ये सल्फर की कमी के कारण ही पेड़ का जो पौधा है वो अधिकतर समय पर पीला दिखाई देता है, अगर उसका पत्ता ओरिजिनल में हरा है तब। और हरा कब होता है? जब सल्फर का मात्रा इसमें होता है। यानी सल्फर से आप क्या समझे, सल्फर एक प्रकार का ऐसा धातु है जो किसी को जीवित रखता है। अगर पेड़ का पौधा पूरे तरीका से हरा है तो पूरे तरीका से जीवित है, और पेड़ का पौधा पीलापन है चाहे पूरे तरीका से सूख चुका है, यानी कि उसमें सल्फर का मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। इसी का एग्जाम्पल हम लोग जोड़ते हैं गंगा नदी के पानी से। गंगा नदी के पानी में जो गंधक सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं, ये जो गंधक और सल्फर जो पाया जाता है गंगा नदी के पानी में, जो कि उस पानी को जीवित रखता है और कीड़ा मकोड़ा उसमें नहीं लगने देता है। और सल्फर एक प्रकार का धातु ऐसा है जो ज्वालामुखी के पर्वतों से निकले पदार्थों में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? हमारे कितने खाने पीने के पदार्थ में भी सल्फर पाया जाता है, लेकिन अधिकतर इसका मूल स्रोत जहां से है वो क्या है, ज्वालामुखी पर्वतों से निकले हुए पदार्थ में इसका मात्रा जो है वो पाया जाता है। और यही मात्रा, क्योंकि हम लोग जानते हैं गंगा नदी हिमालय से निकलती है, पर्वतों से होकर के निकलती है, और इस पर्वत से जब निकलती है उस पर्वत में गंधक क्या होती है, उस पानी में जाकर के मिल जाती है, और गंधक मिलने के कारण क्या होता है, उस पानी में फैल जाती है, वो गंधक का मिलावट हो जाता है, और जब उस पानी को हम लोग अपने घर में लाते हैं तो वो कभी ख़राब नहीं होता है। इसके पीछे का जानकारी यही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।